शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ये है लक्कीपुर, पंजाब का एक छोटा सा गांव। यहां पर भी आजकल लोग मॉडर्न हो चुके हैं। लक्कीपुर का लक्की लक्की सिंह। अब इससे ज्यादा लक्की बात और क्या होगी कि लक्की सिंह की शादी लक्कीपुर की सबसे मॉडर्न लड़की मिस कैटरीना, करीना, प्रियंका, इन शॉर्ट मिस लक्कीपुर यानी कि मिस कामना से हो रही है। और यह है लक्कीपुर की सबसे मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की मिस कामना, जिसके इस गांव में बहुत चर्चे हैं। पूरा लक्कीपुर इसका दीवाना है। इसे कम्मो उर्फ गुलाबो भी कहते हैं। बेटा, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। कोई बात नहीं, घर जाते ही लूट लेगा। हसमानो खाना। भाई गुरु, आज ताकत और तजुर्बा दोनों देना। सुनिए, आप बस उनसे ताकत मांगिए, तजुर्बा मेरे पास है। मर गया वाह। ये है लक्ष्मी, लक्की की सीधी साधी रियल लाइफ आदर्श पत्नी। हंसो हंसो, बंदा कभी कभी सपने में गिर जाता है। हाँ, मैं तुम्हें कसकी पकड़ के सोती हूँ, लेकिन तुम रोज गिरते हो। क्या सपना देखते हो? जब नींद में होते हो तो बड़े रोमांटिक गाने गाते हो, तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए, और जैसे ही आंख खोलते हो यूं फुला लेते हो मुंह जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। क्या सोचते रहते हो? अब लक्की लक्ष्मी को कैसे बताए कि वो रोज सोते हुए ही नहीं जागते हुए भी किसके सपने देखता है। लक्कीपुर का लक्की सिर्फ नाम का ही लक्की है, सपना किसी और का, सच्चाई किसी और की। लक्की ने एग्रीकल्चर में बीएससी किया था। प्लान था शहर में जाकर नौकरी करेगा, ऐश करेगा और कम्मो से शादी करेगा।
लेकिन बाबूजी बीमार पड़ गए और लक्की की सारी प्लानिंग फेल हो गई। ओ लकी पुत्र, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। बेटा, तेरी माँ तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, अब तू भी नौकरी के लिए बाहर चला गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा? तू यही नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता पुत्र? तू मेरे पास रह पुत्र, मेरे पास रह। आखिर में लक्की को बाबूजी की बात माननी ही पड़ी और लक्कीपुर में ही एक ट्रैक्टर एजेंसी में सेल्समैन की नौकरी कर ली। पर उसका मन आज भी काम में नहीं लगता। वहाँ बाबूजी की डिमांड इस पर भी नहीं रुकी और एक दिन बोले, लगता है अब तो थोड़े ही दिन बचे हैं, बस एक ही तमन्ना थी बेटा, पोते का ना सही बहू का ही मुंह दिखा दे बेटा। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। और बाबूजी ने कम्मो की जगह लक्ष्मी को लक्की के गले में डाल दिया और खुद भगवान को प्यारे हो गए। आज भी लक्की लक्ष्मी से प्यार नहीं करता और कम्मो को पाने के सपने देखता रहता है। ये गुलाबों नहीं, गुलाब की कली है। Yeah, India, you know what this is. You know, sounds of no sing. Hey, coming at you live. Woo. Break it down in the club. Yeah. Let me break see. Break it down. I see you, girl. Break it down. Keep shaking that. Break it down. Four, three, two, one. जान मुंडिया ते निकली, मुंडिया ते निकली, मुंडिया ते निकली, जा विके डीजे ते गुलाबो नचदी, मेरी अख है सुरमे दानी, मेरी खुशबू लगे ज़ाफ़रानी, दिल काटे के सीने चले, जा विके डीजे ते गुलाबो नचदी, जान मुंडिया ते निकली। You looking over time, got me losing my mind. Shorty's fast so far, wanna take you home tonight. Wonder if you feel the same, shrub out dripping in the brain. Can't do a damn thing, while you moving in my way. Wait, hey, let's go. Hoto pe hai mere desi whiskey re, whiskey badi hai mere risky re. Oh listen mere yaar, tu kar ek raat. Don't touch my body, don't do the karat. I'm not that easy, can't you see baby. Agar ishq ke piche kar chala. You down a ride, I'll show you things you like. The way you moving now, got me hypnotized. You down a ride, I'll show you things you like. The way you moving now, got me hypnotized. सज धज के रे आंधे हैं कवारे पीछे लड़के रे ये रेड रेड कार ये ब्लैक ब्लैक बार ये ब्यूटीफुल फेस ये क्यूटी है कमाल I'm not that easy can't you see baby हाथ कभी ना किसी के कहीं आए के नीचे ते गुलाबों ना चुरी Fuck, you look good, baby.
the way you work it, baby. Kammo. एक बार शादी के लिए हाँ कर दे, मैकडोनल्ड में खाना खिलाऊंगा। कम्मो। हाय कम्मो। कम्मो तुम उससे शादी कर ले, तुझे तो मैं इंग्लैंड ले जाऊंगा। कम्मो। हाय कम्मो, एक बार मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दे, मल्टीप्लेक्स में रोज मूवी दिखाऊंगा। सच्ची पक्का? कम्मो मेरी जान हाँ कर दे, तुझे तो मैं डिस्को लेकर जाऊंगा रोज। अरे ये तो अब गई, अभी जाके सनी पाजी को जाके बताता हूँ और इन सब का बैंड बजवाता हूँ। ये हैं लक्कीपुर के दबंग सन्नी पाजी, यहाँ के जमींदार लेले पाजी के बेटे और कम्मो के भाई। लक्कीपुर के लोग इनसे बहुत डरते हैं। वाह भाई वाह सनी वाह, चक दे। वाह जवानो वाह, बहुत बढ़िया। इसका नाम है बिल्लो, उस्ताद जी की बेटी, जो सन्नी पाजी पर बचपन से ही मरती है और दिन रात उससे शादी करने के सपने देखती रहती है। लड़के आपकी पैन की ले रहे हैं इजाजत शादी की। मर जाने, पहले नहीं बोल सकता था, सारा गुड़ गोबर कर दिया। अभी वो मेरी तरफ देखने ही वाला था, आंखें लड़ने ही वाली थी, प्यार होने ही वाला था और तूने भेज दिया डोले लड़ाने। पिल्लो कितनी भी होले गीली पर सन्नी पाजी तेरे पे कभी गीला नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने लंगोट पहनी है ना। ओए मैंने भी उस पहलवान की लंगोट ना उतरवाई ना, तो मेरा नाम भी बिल्लो नहीं है। हाँ पर एक बात बता मर जाने, तू क्यों रोज रोज मुंडों की शिकायत लाके उन्हें पिटवाता रहता है? ऐसा करता हूँ तभी तो अभी तक कम्मो बची है, पिंड दे मुंडे पीछे पड़े हो तो कुड़ी कब तक बचेगी, किसी ना किसी को तो दे देगी। क्या इजाजत शादी की? फिर असी किसकी लेंगे? क्या इजाजत शादी की? पर मर जाने तू तो उसे बहन बोलता है ना। वैसे कहते तो हम बहन है पर हूं मैं बहनोई सनी पाजी का। हुई मैं तुम्हारी टांगे ऐसी तुड़वाऊंगी ना कि तुम खड़े नहीं हो पाओ। अच्छा जी बड़ी काम है बॉस। अबे ओ बैंड दे टको, सनी पाजी को नहीं जानते क्या? वो कौन सा सनी देओल या सलमान खान है, हम नहीं डरते। ओए बुला लो जिसे बुलाना है। पीछे घूम के देखो। पीछे कौन है? सनी पाजी की बैंड पर किसी ने नजर उठाकर देखी ना, अखान निकाल कर गोटियां खेलूंगा, सुन लो सब। चल कम्मो। तू क्यों छोटे छोटे कपड़े पहन के मार्केट में आती है? इसमें भी जोक आया है। क्लास में टीचर बच्चों को ग्रामर पढ़ा रही थी तो एक बच्चे से पूछा, रामू मेरा दूध नहीं पीता, इसमें रामू क्या है? तो बच्चा बोला, बेवकूफ है साला, हमें मौका देके देखो पूरा निचोड़ लेंगे। लक्की आ गया। ओ लक्की। हाँ? अंदर जा पहले अंदर। क्यों? अंदर जा, राणा जी सुबह से वेट कर रहे हैं तुम्हारी। और सुनो संभल के जाना, बड़े गुस्से में है। सत श्री अकाल जी। आओ लक्की साहब, एक बात बताओ, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान? नहीं। चीन है जी? नहीं। जी भी तो अमेरिका है? नहीं नहीं नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है लेजीनेस, आपकी सुस्ती, आलसीपन। पिछले 2 महीनों में आपने 40,000 का सामान बेचा है,
मैं आपको महीना बार तनख्वाह नहीं देता, कमीशन पे रखा है। 40,000 का क्या कमीशन होता है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप अपना घर कैसे चलाते हैं। भैया जी जरा आधा किलो दही दीजिए। क्या आधा किलो दही? जी बोना ना बट्टा खेलने है सट्टा, जब तक पैसे ना हो ना यहाँ पे मत आया करो। और 500 ग्राम दही तो क्या, एक चम्मच दही नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। आ जाते हैं बड़े। ओ बिट्टू ओ पकड़े हो कि नहीं? लकी बेटा ये सब पनौती का चक्कर है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 32 साल का हो गया था, ना मेरे पास काम था, ना मेरे पास नौकरी थी, और ना मेरे पास पैसा था, और ना कोई बहन का टका अपनी बहन देने मुझे आया। तो फिर मैं इच्छापूर्ति बाबा बाबा सेक्सी दास के पास गया। बाबा सेक्सी दास? हाँ, इच्छापूर्ति बाबा बाबा सेक्सी दास वहाँ गया और पनौती दूर हो गई। और देखो आज मेरी खाते पीते घर की बीवी है। सुनो जी। सत श्री अकाल प्रजा जी। सत श्री अकाल जी। तू यहाँ क्या कर रही है? 2,000 रुपए दो ना मुझे। 2,000 रुपए काहे के? चश्मा बनवाना है, दूर की नजर कमजोर होगी मेरी तो। हाँ चश्मा बनवाना है, दूर की नजर कमजोर होगी आपकी। आओ मेरे साथ आओ। असी बना दिए चश्मा। मेरी अकेली इकलौती पत्नी जी, वो बताओ आसमान में वो क्या है? अरे वो सूरज है और क्या, लगते है अंधे हो गए हो आप तो। सूरज दिखाई दे रहा है ना इतनी दूर, अब उससे आगे और क्या देखना है। कहती है नजर कमजोर हो गई, 2,000 रुपए कोई सड़क पर पड़े नहीं मिलते हैं। घर जाओ। चली जाऊंगी मैं भी, देखना एक दिन बाबा के पास जाकर ना ढेर सारे भभूत लाके तुम्हारे सारे शरीर पर मलकर तुम्हें ठीक करवाऊंगी। ठीक है। श्री अकाल जी। लकी सेठ मजार के पास जो बाग है ना जी, उसमें बड़े पेड़ के नीचे बाबा जी समाधि लगाते हैं। वहां जाके उनके चरणों में बैठ जा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बदल जाएगी? बदल जाएगी। भक्तों आपकी जो भी गुप्त समस्याएं हैं आज बाबा जी से पूछ सकते हैं। बाबा जी आज बहुत अच्छे मूड में हैं। ये है हमारे इच्छा पूर्ति बाबा सेक्सी दास। इनका अंदाज ही निराला है, इनके पास जो भी अपनी गुप्त समस्याएं लेकर आता है उसे ये अपने सेक्सी अंदाज में ठीक करते हैं। बाबा जी मेरा एक सवाल है। बाबा जी, जी मेरी ना शादी होने वाली है। वेरी गुड। मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे आने वाली वोटी पवित्र है कि नहीं? हाँ हाँ। तेरे पास वो दो क्या होते हैं? अखरोट? हाँ दो हैं। हाँ है? तो एक को हरी कर दे एक को लाल कर दे। अगर दुल्हन देख के सरप्राइज हो गई तो समझ लेना बेटा हरी झंडी है, और देख कर कुछ नहीं बोलती बेटा तो जीवन में यही लिखी है। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। और कोई है? बाबा जी गल तो दसो। दसाओ जी। मुझे बचपन से एक ही बात खाई जा रही है कि वो कौन सी जगह है जहाँ मुंडे और कुड़ियों के बाल घुंघराले पाए जाते हैं। ये बचपन से कितना गलत सोच रहा है, पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव और नाइजीरिया में पाए जाते हैं। बाबा जी की। और कोई है? बाबा जी मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं? भगवान ने मुंह दिया तो पूछ लो बेटा। बाबा जी मैं नहाते समय क्या लगाया करूं? नहाने का तो ऐसा है हाथ खड़े कर और ऊपर कर और ऊपर कर, इतनी लंबी है तो झट से कुंडी लगा लिया कर। बाबा जी की जय हो। जय हो। जय हो। पंजाय मेरे करीब। अब बाबा जी समाधि में जा रहे हैं। समाधि से जागते ही जिस पर भी बाबा जी की पहली दृष्टि पड़ी उस पे बाबा जी की कृपा हो जाएगी। बाबा जी अब समाधि में चले गए। बाबा जी की जय हो। 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 बाबा वो जो नीली कमीज में लड़का वो मोटी पार्टी है। आप पर बाबा की नजर पड़ी है, पास आइए अपनी इच्छा पूर्ति कीजिए। मैन इन ब्लू बताओ तुम्हारी क्या कामना है? अरे बाबा जी आप तो अंतर्यामी है, आपने जान लिया? पापा लड़की का मामला है। चुप अंधे के बच्चे, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ये जिस लड़की के पीछे पड़ा है उसका नाम कामना है। हाँ हाँ बाबा जी हाँ। 100 रुपए चढ़ाओ। लो बेटा ये मेरा भभूत है,
कल बैसाखी है, इस लड़की को ठीक 4 बजे एनी हाउ बाय हुक और कुक किसी भी तरीके से उस लड़की को अल्लाह कलाम लेकर लगा देना। फिर देखना 7:30 बजे तक तुम्हारी कामना तीर कमान लेकर के तुम्हारे पीछे भागी चली आएगी। जय दादी। आप कहाँ घूम चुके हो? मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और कहाँ घूमने जाओगे? कब्रिस्तान। चुप कर मत जाने। बाबूजी एक गलत आज आप कान खोल कर सुन लो और आप सभी लोग भी सुन लो। कम्मो का ब्याह किसी फकीर से नहीं होगा, होगा तो किसी करोड़पति से, नहीं तो नहीं होगा। अरे किसी करोड़पति से शादी करवाने के चक्कर में कब तक अपनी बहन को घर में क्वारा बिठा के रखेगा? ना उसकी शादी होने देता ना अपनी करता। कर लीजिए ना। जब भी किसी के घर में शादी होती है ना तो मुझमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मेरी बेटी अभी तक कुंवारी बैठी है। अरे जस्सी। हाँ जी बीजी। ये फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? आय हाय बीजी, जब भी किसी स्टेशन से गाड़ी बिना रुके फर से निकल जाती है ना तो उसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। चुप करो, मैं सनी नाल कोई गल करनी है। चुप करनी बीजी, आप दोनों बिना कभी भी शुरू हो जाती हो। सनी बेटा तूने क्या सोचा है? देख माँ, इस पूरे पिंड में हम लोगों का परिवार एक बब्बर शेर की तरह परिवार है। अब बब्बर शेर किसी शेर या शेरनी से ही शादी करेगा, चूहा बिल्ली बंदर से तो नहीं करेगा ना। क्या वीर जी, इसका मतलब आप किसी जानवर से मेरी शादी करवा दोगे? इसका मतलब है ये तेरी शादी किसी खानदानी करोड़पति से ही करेगा। चलो आप लोगों को खुशखबरी दे देता हूँ। एक लड़का देखा है, लड़का ठीक लगा, फकीर है, अभी पैसा वैसा है नहीं उसके पास, लेकिन उसके पास खेत बहुत है। और गवर्नमेंट की जो सड़क है एक्सप्रेसवे जिनो के अंदर है, उसके खेत के बीच से जाने वाला है, तो हर जाने भी 2-4 करोड़ पैसे मिल जाएंगे तो करोड़पति भी हो जाएगा वो। तो सनी पुत्र इस बार बात जमाई दे। इस बार बाबूजी साथ ही पंगड़ा पावांगे। जमा दीजिए ना। ओए कम्मो, तेरी है फुस्सी को कोई फुस्सा दिलवा दे ताकि मेरी जान छोड़े। ढूंढ दीजिए ना। मैं ढूंढ क्यों तेरे लिए? कम्मो कम्मो बचा, मार के मर बना दे। सुनो जी, पम्मी के हस्बैंड मनदीप की दुकान पे ये सूट आए थे नए। सब लेडीज बैसाखी के लिए नए सूट ले रही हैं। मैंने सोचा अब मैं भी एक ले लूं। आप एक अच्छा सा कलर पसंद कर लीजिए ना, मैं एक बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। देखी है अच्छा जी, कौन सी पसंद की? एक ही है। ये जो मंदीप है ना, ये हमेशा घटिया माल ही रखता है। अब देख, इस बार जब चंडीगढ़ जाऊंगा ना, तेरे लिए बढ़िया सा सूट ले आऊंगा। कैसे भी हाथ तंग है ना। जब से मेरी शादी हुई है तब से आपका हाथ तंग ही चल रहा है। गली में लोगों ने LCDs खरीद ली तब भी आपका हाथ तंग था। मैंने मोबाइल मांगा तब हाथ तंग, नेकलेस मांगा तो हाथ तंग। अरे आज तो बैसाखी है, कम से कम आज तो ऐसी बात मत कहो। अच्छा ठीक है, ले ले, सस्ता वाली लेना। हाँ अगर ऐसी शक्ल बनाकर कहोगे तो किसे चाहिए। चले जी, हंस के दस्सा ले ले। अच्छा रुको, अब क्या हुआ? घर से बाहर लड़कर नहीं जाते, और वैसे भी आज बैसाखी का मेला है, जल्दी से तैयार हो जाना मेरे लक। तुम्बा मुंडे आंदा, ओ तुम्बा मुंडे आंदा, ओ तुम्बा मुंडे आंदा, ओ तुम्बा मुंडे आंदा। ओए आनी कुड़िये मस्ती दे विच रच के किद्दा पाल है, बोली पे तू बोली पाल है उस पे लक मटका ले। आनी कुड़िये मस्ती दे विच रच के किद्दा पाल है, बोली पे तू बोली पाल है उस पे लक मटका ले। ओए आजा नच ले ली कुड़िये, आ गए नी तुम्बा बोले यहाँ रहंदा, आजा लग जानी है कि नाले, आ गए नी तुम्बा बोले यहाँ रहंदा, आजा नच ले ली कुड़िये, आ गए नी तुम्बा बोले यहाँ रहंदा, आजा लग जानी है कि नाले, आ गए नी तुम्बा बोले यहाँ रहंदा।
सोनी रंग रलिया आई आओ बसाखी आई सज गई गलिया हो इत उत सज गई सोनी रंग रलिया आई आओ बसाखी आई सज गई गलिया भवरों छेड़ दिया खिल गई गलिया कुड़िया लगे हजारे गुड़तियां डलिया जख लैने दो टोंके प्याले तुम्बा बोले यार देखे बिना तुझे मेरा जी नहीं लगदा हो इश्क दा ढोल गुण दिल विच वजदा देखे बिना तुझे मेरा जी नहीं लगदा तेरे लिए छोड़ दूं मैं संग सारे जगदा करदा रहूं मैं तेरी चाह तो कसदा मेरी जिंदगी है तेरे ही हवाले तुम्बा बोले यार पेंड वालों एक वार्निंग मेरी प्यारी गुड़िया के लिए लड़का रिश्ते के लिए आ रहा है पिंड बेच अगर किसी भी बहन के टके ने कोई भी बदतमीजी की तो ये 2.5 किलो का हाथ नहीं 3.5 किलो का हाथ है ये जिस पर पड़ता है ना उठता नहीं उठ ही जाता है समझे कि नहीं हो पिंड वालों समझ गए कहाँ जा रहे हो देख सनी पुत्र भाई मुंडे में तो शेर वाली बात दिखाई देती है ले ले पुत्र जरा मुंडे का नाम ते पूछ चंगा माता जी की नाम है पुत्र तेरा बताइए ना YM चड्डा चड्डा ओ तू चड्डा क्यों ये तो मैं मालूम नहीं तो अपने पिता से पूछ चड्डा से या अपनी माता से पूछ चड्डी से ओए बाऊजी वो आजकल शॉर्ट फॉर्म दा जमाना है वाय मतलब योगेश एम मतलब महेंद्र YM चड्डा योगेश महेंद्र चड्डा नी जस्सी हां जी बीजी ये शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बीजी तुसे शॉर्ट फॉर्म नहीं समझते अंग्रेजी में खेत को फार्म कहते हैं और इनका खेत छोटा है ओफो बीजी तुझसे भी ना ओ पुत्र ओए कुड़ी तेरे सामने बैठी है जो कुछ पूछना है पूछ ले हां जी हां जी पूछ लो पूछ लो जी आप देखने में तो बहुत मॉडर्न दिखती हो जी पर अंग्रेजी में कुछ सुनाइए ना ये लोकल लोकल अरे हमारी कम्मो तो अंग्रेजी भी इंग्लिश में बोलती है अच्छा कम्मो गुड़िया एक गाना गा के सुना दो इनको अंग्रेजी विच जी आ जिंदे रहे जिंदे रहे वाह जी प्रेजेंटिंग टू यू द लेले फैमिली सॉन्ग वाह रिटन कंपोज्ड एंड सिंग बाय मी वाह आई एम कम्मो You want to hear Angreji?
I'm sexy, beautiful, and these two my BG. That bald gay is my father. This big gay is my brother. And that is Pussy, who is my favorite boy. She is a billow. She's Sunny Paji friend. She's sexy, beautiful, and ugly. I don't know. कैसी लगी आपको मेरी अंग्रेजी? Very nice. अजी कम्मो जैसी अंग्रेजी तो पूरे पिंड में कोई नहीं बोल सकता. मैं भी नहीं. हाँ. अरे वाह जी वाह, क्या कमाल की इंग्लिश है. ओए पुत्र, इसे तो कॉल सेंटर वालों ने एक ही दम नौकरी दे देनी है. फिर तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ एक ही साथ जॉब करना, एक ही साथ जाना और एक ही साथ आना. अब पाजी, आपकी गल कुछ समझ नहीं आई, क्या कहना चाहते हो? ओ क्या ना जी, जो अपना एक्सप्रेस हाईवे वाला प्रोजेक्ट था ना जी, वो कैंसिल हो गया. सनी बाजी बख्श दो, बख्श दो. सनी चट नु बेवकूफ बनाया. हाँ, दोबारा पिंड में दिखाई दिया ना तो लत्ता तोड़ दवांगा. माफ कर दो बाजी. और चल भाग. छोड़ रहा है, कौन मर गया? हाँ, आपको पता नहीं क्या? आपको पता ही नहीं क्या? नहीं पता? कम्मो का रिश्ता टूट गया, 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 टूट गया. बाबा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा. बाबा जी, ये मिर्ची मुंह के अलावा कहाँ कहाँ लगती है? जहाँ तू सोच रहा है डैडी मैन, वहाँ तो लगती है. उसके अलावा खेतों में लगती है. बाबा जी, एक सवाल पूछूं? यहीं पूछोगे कि खेतों में ले चलूं? जी नहीं, यहीं पे पूछूंगी. पूछो पूछो. ये प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या चीज होती है? कुछ नहीं पगली, ये सब अमीरों के फ्री में मजे लेने के चौंचले हैं. बाबा जी, एक सवाल मेरा भी है. पूछ ही लो एक बार. बाबा जी, ये प्यार करना पड़ता है या हो जाता है? देखो बेटा, ऐसा है, लड़की खूबसूरत हो और स्कूटी पर हो तो प्यार हो जाता है, और जबकि लड़की बदसूरत हो और मर्सिडीज पे हो तो प्यार झक मार के करना ही पड़ता है. बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो. भक्तों, अब बाबा जी के विश्राम करने का समय हो गया है. कृपया आप प्रस्थान कर सकते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद. लाओ, जाओ, जाओ, जय हो, जय हो, जय हो. तुम जाओ बाबा जी, तुम मेरे पास. बाबा जी, क्या हुआ? बाबा जी, आपके चरण का है. बाबा जी, चरण तो घर छोड़ आया. क्या हुआ? बाबा जी की जय. चमत्कार हो गया बाबा जी, चमत्कार. अच्छा, क्या क्या कैसे? बाबा जी, आपके भस्म ने तो चमत्कार कर दिया. बाबा जी, मुझे कम्मो मिल सकती है. कमोड पे बैठ गया? नहीं नहीं, कम्मो बाबा जी, कम्मो जिसे भस्म लगा था ना. बाबा जी, जो भस्म आपने मुझे दिया था ना, मैंने कम्मो को किसी भी हालत में लगा दिया. बाबा जी, कम्मो मुझे मिल सकती है. बाबा जी, सब आपकी कृपा. बाबा जी, बाबा जी, आपकी कृपा ऐसे बनाए रखे. बाबा जी, हाँ तो दो 101 रुपया. अभी तू देखना मुन्ना. हाँ? तुम्हें कम हो गया, उसकी पूरी फैमिली मिल जाएगी और तू करोड़पति बनेगा. तेरा फ्यूचर बिल्कुल ही ब्राइट है. By God, love you. Promise, बाबा जी. एकदम promise है बेटा. बाबा जी की. मागियार. अच्छा, तो ट्रैक्टर बिक गया? हाँ जी. जी ठीक है. बड़े खुश लग रहे हो. कोई ट्रैक्टर बिका क्या? हाँ, ऐसा ही समझ. फिर तो अच्छा कमीशन मिला होगा. हाँ. अब वो जी, आपसे एक बात पूछनी थी. मोहल्ले की सारी औरतें नुमाइश के लिए जा रही हैं और सब मेरे पीछे पड़ी हुई हैं. अब मैं जाऊंगी तो कुछ तो खर्चा होगा. कुछ 2-3 हजार रुपए दो ना. देख, मैं तुझे जाने से मना नहीं करता. जाना. मगर कुछ खरीदना ना. ये ले. हाँ? 50 फड़ चाट पकौड़े खा के आ जाना है, और टाइम से आ जाना. मैं ऑफिस चलूं? हाथ तंग चल रहा है, हाथ तंग चल रहा है. तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे पास मेरे लिए पैसे नहीं है?
कभी कभी तो लगता है कि अगर मैं मर भी गई ना तो मेरे कफन के लिए कहोगे कि पैसे नहीं है। मुझे तो लगता है कि जहर खा के मर ही जाती हूँ। मुफ्त का मिल जाए तो खा लो। यहाँ मजाक भी नहीं कर सकते तो बाकी की आप किस्ते करा लेना। बहुत काम हो गया यार। बनते हाँ मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। हाँ सुना। एक आदमी की वाइफ उससे बोलती है आप प्यार इश्क ये बातें करते रहते हो, ये प्यार और इश्क में फर्क क्या होता है? अच्छा तो पता क्या बोला? वो बोला प्यार तो वो है जो मैं अपनी बहन को करता हूँ और इश्क वो है जो मैं तुम्हारी बहन को करता हूँ। मैं दो मिनट में आया। ओके ओके हाँ जी भाई सब काम ठीक हो रहा है ना? हाँ जी ठीक है। लकी तू क्यों सुस्त बैठा यार, काम किया कर ना। हाँ हाँ राणा जी हाँ जोक वोक तो ठीक चल रहे हैं ना? हाँ जी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा आपको सुनाओ एक जोक। ना 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 आज तू जोक नहीं सुनाएगा, आज आप सबको मैं जोक सुनाऊंगा। सुनाइए। एक औरत बस में फ्रूट लेके जा रही थी, पीछे उसके सरदार जी खड़े थे और बस के झटके लग रहे थे। सरदार जी ने बोला बहन जी अपने संतरे संभालो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कहती है सरदार जी आप अपना काम करो मेरे संतरे में कैसे भी रखूं। आज दोपहर में कलाग्राम की नुमाइश में लगी भयानक आग में सैकड़ों लोगों की जाने गई। आइए दिखाते हैं आपको ये तो एग्जीबिशन में आग लगी है। 2 बजे कलाग्राम में चल रही नुमाइश में राणा जी उस नुमाइश में तो आपकी वाइफ भी गई थी ना? ओए तेरी भाभी इस एग्जीबिशन में गई है तुम्हें कैसे पता? ओहो राणा जी सभी की जनानियां गई हैं, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? लक्ष्मी भी तो गई है राणा जी, शाम तक आ जाएंगी, बच्चियां थोड़ी हैं। वो तो ठीक है यार अपनी औरतें हैं टेंशन तो हो ही जाती है ना। काम करो आप, टेंशन होगी यार, वो टेंशन होगी यार। ओहो लक्ष्मी लक्ष्मी ओ लक्ष्मी ये लो महारानी जी अब तक घर नहीं आई। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। राणा जी का फोन भी नहीं लग रहा। भूख लग रही है। अरे वाह कुछ भी कहो ध्यान तो बढ़िया रखती है वो जी। आज मैं पहली बार रसोई में जा रही थी तो सोचा आपसे पूछ लूं आपको नाश्ते में क्या पसंद है। पसंद तो मूली के पराठे हैं। ठीक है जी तो फिर मैं रोज नाश्ते में मूली के पराठे बनाऊंगी। रोज बनाओगी तो पसंद थोड़ी रहेंगे। ओके जी इतनी देर हो गई महारानी के पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। आप जिस नंबर से संपर्क कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा। ये राणा जी का फोन भी है ना वक्त पे ही बंद होता है। सत श्री अकाल राणा जी। सत श्री अकाल सत श्री अकाल राणा जी परजाई जी घर आ गई। हां हां परजाई तो तेरी कदों दी घर आ गई। अजी कौन है? ओए लकी तू? जी सत श्री अकाल जी। इतनी रात में? जी वो पूछ रहा था सारी औरतें नुमाइश से घर आ गई। सारी औरतें आ गई? हम तो सभी आ गई। इसने बताया कि इतनी भयानक आग लगी कि वहां कितने लोग मारे गए। अच्छा जी लक्ष्मी घर नहीं आई जी? लक्ष्मी घर नहीं आई जी? लक्ष्मी थी तो हमारे साथ ही पर वो पास वाली दुकान में कुछ खरीदने निकल गई और उसके बाद उससे मुलाकात ही नहीं हुई मेरी तो। देखिए जी इतना लेट हो गया अब तक नहीं आई, जरूर अपनी सहेली के यहाँ गप्पे मारती होगी। बेटा कहीं भी गई हो उसका पता कर
जी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें फोन करना। जी जरूर जी। ठीक है बेटा। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया जी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सत श्री अकाल। ओए बंते, करीना कपूर और मेरे में एक बिल्कुल समानता है। वो क्या संते? ओ यार, वो भी मुझे एसएमएस नहीं करती और मैं भी नहीं करता। फोन पे समझा दिया था ना उसको? जी हाँ। ये लेटर भी देना उनको। जी। आओ लकी, रात को लक्ष्मी तो घर पे पहुंच गई होगी ना? नहीं जी। नहीं पहुंची? नहीं। तो जाके ढूंढना उसको। ऑर्डर है जी। ऑर्डर छोड़ ना यार, मैं अपनी बीवी को कितना प्यार करता हूँ, तू अपनी बीवी को प्यार नहीं करता? जी मैं करता हूँ जी। मेरी बीवी दो मिनट घर पे नहीं आए और लेट हो जाए, मेरे को तो चैन नहीं आता। जाके लक्ष्मी को ढूंढ। जी ऑर्डर तो पूरा कर। ऑर्डर हम देख लेंगे यार, तू लक्ष्मी को ढूंढ जा। जी जी। ये रही सारी लाशें, तुम अच्छी तरह देख लो, अगर तुम्हारी कोई पहचान का है तो बता देना मुझे। देख लो। देखो जी, जी देखो ना कितना प्यारा लिखा है। 200 रुपए फुकाई। एक बार देख तो लो कितना प्यारा है। हाथ पे कुछ लिखाने से बंदा प्यारा नहीं हो जाता, बंद में कोई बात होनी चाहिए। हाँ अरे नहीं नहीं रुको रुको, चेहरा मत देखो, चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, तुम देख नहीं पाओगे। अरे कौन है ये, क्या लगती है तुम्हारी? हाँ जनानी लगती है जी। अरे इधर आओ। हाँ जी सर। ये इनकी जनानी है, तुम इनकी मदद करो, इनका नाम लिख लो। ठीक है सर। क्या नाम है आपकी जनानी का? लक्ष्मी। सेठ, अभी तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। होनी को कौन टाल सकता है लकी सेठ? लकी सेठ, अब यही सोच कर सब्र कर लेना कि तेरा और लक्ष्मी का इतना ही साथ था। अभी बेचारे लकी ने देखा ही क्या, इतनी कम उम्र में ये सब। लक्ष्मी का अंतिम संस्कार अच्छी तरह होना चाहिए। ठीक कहा लेलेपा जी, लक्ष्मी का अंतिम संस्कार देवी की तरह होना चाहिए। आगे जो परमात्मा को मंजूर। चढ़ा दो। ओ लकी सेठ, ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मी जैसे देवी के कफन के लिए इतनी मामूली साड़ी? ये लो 10,000 की है, हैं? डिजाइनर है और अभी अभी नया स्टॉक आया है। इतनी महंगी साड़ी मैं कहां से दूंगा जी? अरे लकी, सारी जिंदगी में तो इस बिचारी ने कभी 400-500 से ऊपर का सूट साड़ी पहना नहीं, और जाते जाते तुझे करोड़पति बना गई। लकी आज तो कम से कम उसकी आखिरी विदाई पे तो उसे महंगी साड़ी पहना के विदा करने दे। क्या, क्या, करोड़पति? लकी सेठ, तुमको नहीं मालूम सरकार ने हर मरने वाले के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हमारी खबरों के अनुसार पंजाब सरकार ने मुआवजे में मरने वालों को 25-25 लाख, केंद्र सरकार ने 25-25 लाख और विपक्षी पार्टी ने 25-25 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। राणा जी, और नुमाइश के वो देखो ब्रेकिंग न्यूज, लकी को 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। मतलब मरने वालों के नजदीकी परिजनों को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ओ लकी सेठ, ला 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 लकी पहनाओ।
पहनाओ बेटा पहनाओ। लक्ष्मी आती है तो दौलत लाती है ये तो सुना था, मगर लक्ष्मी जाती है और दौलत की बरसात करके जाती है, ये पहली बार देख रहे हैं भाई। भाई इसे कहते हैं किस्मत का पलटना। सही बात है, वरना जनानी तो अपनी भी गई थी नुमाइश में, मगर लकी जैसी किस्मत हमारी कहाँ। और धीरज रख, भाई ये लकड़ी वाला क्यों नहीं आया, क्या बात है? पूरे लकीपुर को पता है अपने लकी सेठ की वाइफ की डेथ हो गई है। हाँ। पूरे लकीपुर को पता है तो लकड़ियां तो आई नहीं। ओ हुण की होगा। रुक दे रुक दे रुक दे, बस बस लकी सेठ रुको, लकी सेठ मैं आ गया हूँ। लक्ष्मी जैसी देवी की चिता आम लकड़ियों में नहीं जलेगी, चंदन की लकड़ियां लाया हूँ। हाँ? चंदन की लकड़ियां लाया हूँ। मुझे जैसे रात को मालूम पड़ा भाभी जी ऊपर, मैं सीधा शहर। क्यों? आपके लिए लकड़ी लेने के लिए, चंदन की लकड़ियाँ। जी लेकिन वो महंगे रहेंगे ना। वो कोई टेंशन नहीं, उसकी टेंशन मत लो, उसी चिता जलाओ। हाइल पे ला दे। लकी सेठ बाय गॉड की कसम, दुकान पे तो 100 ग्राम घी भी नहीं था, ये शहर से लाया हूँ मैं। क्या घी? घी? हाँ, लक्ष्मी भाभी की चिता तो देसी घी में जलनी चाहिए ना। हेलो, अमेला साहब भी आ गए। आई हैव कम टू पे होमेज एंड कॉन्डम जी। कंडोलेंस। ओए मुझे पता है, असल में जी मैं और मेरी पार्टी सारी रात रोते रहे जी अफसोस में, दरअसल इलेक्शन आने वाले हैं जी। लिया पकड़ा, इधर दे दो। चलो चलो, इलेक्शन हो तो ये लोग कब्रिस्तान और शमशान में भी आ जाएंगे। बाबा जी बाबा जी। हाँ, कहो बच्चों कैसे आना हुआ? ऐसे आना हुआ। अरे ऐसे आना हुआ, लेकिन आना कैसे हुआ? बाबा एक मसला खड़ा हो गया। इतना मसला ही क्यों जो कि खड़ा हो गया? बाबा वो अपना लकी है ना। हाँ हाँ, उसकी बीवी मर गई आज। हाँ हाँ। ओ, बाबा थोड़ी सी हम पे भी कृपा कीजिए ना। क्या करिए? कृपा बाबा कृपा। ओके ओके, लकी के घर दौलत की बारिश हुई है। अच्छा। बाबा कुछ ऐसा करो कि उस बारिश के कुछ छींटे हम पे भी गिर जाएं। हम आपको 1 लाख देंगे। क्या बोला? 1 लाख मारेगा? मतलब 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपए बाबा को मिलेंगे। बेटा तुम छींटों की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ सब हो गया पाल ले आऊंगा रुपयों की, बस तुम मुझे फॉलो करते रहो। बेटा चौथे का मतलब होता है दान, लक्ष्मी की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का, जो भी उनकी अधूरी इच्छा थी वह पूरी कर दो। बेटे मैं नहीं, पूरा लकीपुर आपके साथ में है। लकी सेठ अब तुमसे ज्यादा कौन जानता था कि लक्ष्मी को कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद थी? मेरा मतलब भाभी को। इतनी सारी मिठाइयाँ, मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ कभी पहले नहीं देखी। इमरती, बर्फी, अरे लड्डू देखो। एक दिला दो ना भैया, एक देना जी, लड्डू देना। अरे भैया बड़ा वाला। अच्छा तुम खाओगे? नहीं नहीं, खाओ खाओ। अच्छा चले। अरे ठहरो ना, थोड़ा तो लो। नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत स्वाद है, लो। लकी सेठ, लक्ष्मी कितनी चटोरी थी ना। क्या? मेरा मतलब लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी। यार तू चिंता मत कर, सब बन जाएगा और ऐसा बनेगा कि पूरा लकीपुर याद रखेगा कि लखन सिंह हलवाई ने क्या मिठाई बनाई है। और जहाँ 4-5 तरीके की मिठाइयाँ बनी रही हैं, तो भाई सब्जियाँ भी तो 5-6 तरीके की बननी चाहिए ना, वो भी प्योर देसी घी में। लकी सेठ, आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी वोटी को जेवर पहनाता है। हुँ? अब पहले तुम्हारा हाल खराब था। हा? मतलब लक,
तुम्हारा लक खराब था, क्या हैसियत थी तुम्हारी हा? और अब क्या हैसियत है तुम्हारी इसलिए तुम्हें लक्ष्मी जैसे जेवर पहनती थी वैसे नहीं बल्कि जैसे जेवर पहनना चाहती थी वैसे जेवर बनवा के दान करने चाहिए। कितना सुंदर हार है। सुनो हार जरा तंग है, अब नहीं बाद में खरीदेंगे, चलो चलो। अरे चल चलो वहां चलो, कम से कम देखने तो दो। बड़ी शौकीन थी लक्ष्मी। क्या मतलब लक्ष्मी भाभी जेवर पहनने की बड़ी शौकीन थी। ओए लकी तो फिक्र मत कर यार, तुझे जितना लोन चाहिए ना मैं देता हूँ। दान दक्षिणा पूजा पाठ किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओए लक्ष्मी सिर्फ तेरी नहीं पूरे गांव की थी जी। ओ मेरा मतलब बहू यार, तू सब देखता जा, सारा इंतजाम हो जाएगा जी। जब कंस को ये पता चलता है कि उसके सिस्टर की आठवीं औलाद उसके पिक्चर का दी एंड करेगी तो वो डर के मारे सिस्टर और उनके हस्बैंड दोनों को कारागार में बंद कर देता है। कारागार में अंधेरा कमरा, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ के पास कोई काम नहीं तो वो एक ही कीर्तन गाने लग गए, एक ही कीर्तन गाने लग गए। आप भी गाइएगा मेरे साथ साथ। दे दना दन दना दन 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 दे दना दन। बस यही कीर्तन गाते गाते उन्होंने सात औलादें पैदा कर दी। जब आठवीं औलाद पैदा हुई तो कारागार का दरवाजा खुद ही खुल जाता है। कैसे खुलता है? चमत्कार बाबा, चमत्कार। बाबा एक बार फिर से बताइए ना दरवाजा कैसे खुला। बताओ बच्चों। धड़ाक पास धड़ाक हुए धड़ाक। वासुदेव कट्टू नंद गांव में मौजा ही मौजा कीर्तन कर रहे थे। हाँ। बाबा हाँ जी। जब कंस को ये सब पता था तो उसने उन दोनों को एक ही कारागार में क्यों बंद किया, अलग अलग जगह पे क्यों नहीं रखा? तेरा नाम क्या है? फुद्दू। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लेकिन ये सवाल तू जाके डायरेक्ट कंस से क्यों नहीं करता, मुझसे क्यों पूछ रहा है? कंस चौराहे पर भिंडी खरीद रहा है, उससे जाके पूछ ले। और सुन, लौटते वक्त उसका मोबाइल नंबर भी ले लेना। तो मैंने इस अहम दिन के लिए कीर्तन तोड़ा है, वो आप भी गाएंगे मेरे साथ। आरे प्रीतम प्यारे। बाबा ये कीर्तन गलत है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बर्थडे पार्टी सोच के ये गा रहा था, एक्चुअली यहाँ तो मुझे कुछ और गाना था। हाँ ये भी कीर्तन अच्छा है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। आप भी गाइए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुन्नी आत्मा है और डार्लिंग परमात्मा है। मुन्नी आत्मा डार्लिंग परमात्मा के लिए बदनाम हो जाती है, यहां तक बदनाम हो जाती है। वो डंडो बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बाबा जी क्या बोल रहा था बेटा? डंडो बाम किसका प्रतीक है? तेरा नाम क्या है पूछी कैट? पुसी। हाँ क्या सोच समझ के घर वालों ने नाम रखा है, स्कूल में लौंडे बिखर जाते होंगे। खैर डंडू डंडू है, अपना आनंद है। आगे खाना क्या हुआ? प्यारे लाल जी, टाइम पर खाना खाने के इतने ही पाबंद हो तो चुपके से घर से खा के आते। टिफन भी मंगवा लिया और साली को ससुराल से भी बुलवा लिया। ओ ये खाना मेरा नहीं है, लकी का है। लकी बेटे जा खाना खा ले, जा। हाँ जाओ खा लो। जा। क्या बात, जा ले जा। प्रणाम बाबा। ठीक है, दबा के खाओ दबा के जियो। जाओ बेटा आराम से खा लो। जाइए। अब लकी ये घर तो चौथे तक खाना बन ही नहीं सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर से खाना रोज आएगा। और रोज तो मेरी वाइफ आ नहीं सकती, इसलिए मैंने साली को बुलवाया है।
ओ सरदार जी, हम सब जानते हैं, ओ टिफिन लेके साली को नहीं बुलवाया है, दरअसल इसने करोड़पति लकी को फंसाने के लिए साली को बुलवाया है। मैं वेरी रेस्पेक्टफुली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चौथे तक लकी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, चार दिन खाना मेरे घर से आएगा। ओ ले ले पाजी, आपका घर दूर है, खाना आते आते ठंडा हो जाएगा, और मेरा घर जो है वो लकी के घर के सामने है, और साली आएगी गर्मा गर्म खाना लकी को दे जाएगी। चार पाँच दिन का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या? देखिए मेरे ख्याल में लकी की अभी उम्र ही क्या है। हाँ, सही बात, उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं लकी की शादी अपनी साली से करवा देता हूँ। तुम लोग हमेशा बीच में आते हो, पट्टे हैं। वो कह रहा है वो उल्लू का बट्टा है तो क्या प्रॉब्लम है, साइलेंस रहिए थोड़ा। भाव भाव उपवास पे चल रहे हैं आप लोग, लंच डिनर की बात कर रहे हैं। जिन भी लोगों को अपनी माताओं, बहनों, साली, बुआ, दीदी, दादी, परदादी, जिसको भी लक्की से शादी करानी है, चार दिन तक वो लोग मिल करके वो औरतें लक्की को खाना खिलाएंगी, लक्की को जो भी पीस हॉट लगेगा। मतबल जिसका खाना अच्छा लगेगा लक्की उसी से शादी करेगा, इसमें इतनी लड़ने की क्या बात है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ जी ठीक है। दुकान से खुलता है दरवाजा। आपके लिए खाना जी। एलो जी, आपके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे लेके आई हूँ, खा लेना जी। पराठे? एलो जी, आपके लिए गाजर का हलवा। ये लो जी, आपके लिए गोभी के पराठे। छुआरे वाला दूध, सोने से पहले दूध पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लीजिए ना, यकीन नहीं हो रहा कि मैं हूं। छू के देख लो मुझे। सच्ची? हाँ। तेज। तेज? असली है, असली है, असली है। सनी पाजी ने और सबने डिसाइड किया है कि अब तुम्हारी और मेरी शादी होगी। आपको मैं पसंद हूं ना? हाँ। पी लेना। हाँ, दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बाय। पंजाब हाई ड्राइव। बाबा। क्या हुआ बाबा? बाबा मगर हुआ क्या? आपका चमत्कार बाबा, आपका चमत्कार, सब कुछ हो गया। आपकी कृपा हो गई बाबा। हाँ क्या बाबा? जब चेक मिलेगा ना, सबसे पहले मैं आपका आश्रम बनाऊंगा, आपका। कसम से। हाँ हाँ बाबा। और एक रिक्वेस्ट? नहीं नहीं, कोई और रिक्वेस्ट नहीं बाबा। है? और नहीं यार, कोई रिक्वेस्ट नहीं बाबा। है, रिक्वेस्ट है तो बोल ना बाबा। जब तक आश्रम नहीं बन जाता ना, आप मेरे पास रहिएगा प्लीज। पक्का? हाँ हाँ बाबा। ओ बाबे, सनी पुत्र की जिद थी कि अगर वो कम्मो की शादी करेगा ना तो किसी करोड़पति मुंडे से। ओ देखो कृपा बाबे दी, कोई करोड़पति तो नहीं मिला लेकिन अपना लगी करोड़पति बन गया बाबा। हाँ जल्दी से बताओ कि शादी का मुहूर्त कब है, कब बंगड़ा पाए, कब इसकी विदाई करें। ओहो कैसी बात कर रहे हो, मैयत के घर में मुहूर्त की बात कर रहा हूँ, साल भर तक इसके यहाँ हंस के पॉटी करना मना है क्या? हाँ है? अरे लेकिन डरो मत, तरकीब निकाली जा सकती है, जगह बदल देंगे
तो फिर हम लोग कर सकते हैं शादी चौथे के बाद। बस जगह बदलने की जरूरत है, बाकी दिन तो उसने ही बनाया जिसने इनको बनाया। कौन है ये आपकी? ओए बाबे कंट्रोल। तो फिर ठीक है, अगले दिन चौथे के बाद शगुन ले जावांगे। हाँ जी। क्या जी? क्यों क्यों लक्की पुत्र, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है। ये बात इतनी बढ़िया लग रही है तो मन कर रहा है कि लक्की तुरंत दो लंदन की टिकट बुक करवा दूं। कम्मो को ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का बड़ा मन करता है। तुमने बीएससी किया है, इसे भी पढ़ना है, दोनों लंदन रहना, साथ में पढ़ाई करना। हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पंजाब यूनिवर्सिटी बना देंगे हमारे दोनों स्टूडेंट, कुलपति रंजीत सिंह रंधावा। हाँ जी बीजी, ये ऑक्सफोर्ड क्या होता है? बीजी अंग्रेजी में बैल को ऑक्स कहते हैं। और फोर्ड तो गाड़ी होती ही है, तो ऑक्सफोर्ड मतलब बैलगाड़ी। उत्तरी कमाल का घर है ये, कमाल का। आपकी मदर है? हाँ जी। भाग रही है। अज हो गई रातो रात कृपा बाबे दी, अज बन गई यारां दी गल बात कृपा बाबे दी, ओ कृपा बाबे दी, ओ कृपा दाते दी। अज लगिया यारां दा जकबात कृपा बाबे दी, ओ कृपा बाबे दी, अज बन गई यारां दी गल बात कृपा बाबे दी। गल्ला तेरी है ना मेरी, बाकी है सब हेरा फेरी, शेर समझता है तू खुद को, परे नसीबा है पनसेरी, शेर समझता है तू खुद को, परे नसीबा है पनसेरी। लगिया अज लगिया, अज लगिया यारां दा जकपाट कृपा बाबे दी, कृपा बाबे दी। अज होगी रातो रात कृपा बाबे दी, ओ कृपा बाबे दी। बंगला लवांगे, गाड़ी लवांगे, जोरू के लिए साड़ी लवांगे, बैसाखी में कटेंगे फसलें, खेत लवांगे बाड़ी लवांगे, बैसाखी में कटेंगे फसलें, खेत लवांगे बाड़ी लवांगे। बन गई हुण बन गई, हां बन गई यारां दी गल बात कृपा बाबे दी, कृपा बाबे दी। अज हो गई रातो रात कृपा बाबे दी, ओ कृपा बाबे दी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। केसर वाला दूध आपके लिए खास, इसे पीके ना बाहर मत सोना, अंदर ही सोना। ठीक है जी। बाय। कभी कभी मेरे दिल विच ख्याल आता है कि जैसे तुझको उतारा गया है मेरे लिए। कम होगी आजकल की कड़ी, आज कितनी गर्मी है।
जी आया। आप ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं? मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी? तुम कहाँ थी? वो नुमाइश के लिए आपने उस दिन 50 रुपए दिए थे ना? हाँ। अरे कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लग जाए। भाभी जी, ये नजर हम औरतों को ही क्यों लगती है, मर्दों को क्यों नहीं? अरे लगे क्यों ना, औरतें होती इतनी सुंदर। अरे तूने कुछ नहीं खरीदना, पैसे क्या ऊपर लेकर जाएगी? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अरे नहीं नहीं, देखना ये तो कोई महंगी चीज खरीदेगी, लगता है इसके मिस्टर ने इसे बहुत पैसा दिया है। तो मैं नाराज होकर मौसी के घर चली गई। सोच कर तो गई थी कि जब तक तुम मेरे पैरों पर पड़ के मुझे मनाने नहीं आओगे ना, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। लेकिन फिर सोचा कि बाहर का खाना खा खा कर तुम बीमार ना पड़ जाओ, आखिर बीवी हूं ना। तुम खुश हो ना? हाँ। तुम थक गई होगी ना? सो जाओ। जट की बहन के जस से खेला तूने? कुत्ते, आज साले तेरा खून पी जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। माफ कीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरी गलती नहीं थी। साले दे मेरे बच्ची लाकर पे। माफ कीजिए, माफ कीजिए। ते सारी रात असी लड्डू पेड़े बनाते रहे, भैन दी कुछ नहीं हुआ साडा, पैसे कितने साडे? अरे मैं क्या करूं, इतने सारे गहने बनवाती है, अब महाजन मेरा खून पी जाएगा। अरे बाबू जी, साड़ी 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 मैंने लाई है, पेटीकोट ब्लाउज है, अले अले अले, ओ पैसे काट मेरे। अरे माफ कर, तो दे दूंगा सब, दे दूंगा। पापा जी, पापा, पापा, एक करोड़ मिल जाए तो चिल्लर गरीबों में बांट दो। नहीं बाबा, लक्ष्मी। कमाल है, तेरे सपने में लक्ष्मी आ रही है, मेरे सपने में सानिया आटा। सपने में नहीं बाबा, लक्ष्मी जिंदा है। हाय, हेलो, लक्ष्मी जिंदा है? हाँ बाबा। अपनी लक्ष्मी? हाँ बाबा, जिंदा है। वो मेले से बस लेके अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी, वापस आ गई, नीचे सो रही है। मौसी के यहाँ? मौसी की बाबूया। ओ तेरी, यहाँ इसकी इज्जत खटिया पे पड़ी हुई है, और तुम लोगों को आँख नाक गला सूझ रहा है, दिमाग से काम लो। देखो बेटा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अगर लक्ष्मी जिंदा है तो फिर तुझे डॉक्टर की पढ़ाई दोबारा से करनी पड़ेगी, सब खत्म। नहीं बाबा, पीएससी इन एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल से किया है। तो फिर बाबा? हाँ। देखिए, अब तक जो कुछ भी चलता आ रहा है ना, हाँ हाँ, वो आप ही की कृपा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या बाबा? हाँ। अब आप ही रास्ता दिखाइए। हाँ, मैं रास्ता दिखाऊं, घर तेरा है मनहूस, और रास्ता मैं दिखाऊं। अरे प्लीज। हाँ, धीरे धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। ये बता, लक्ष्मी को आते हुए तो किसी ने देखा नहीं था ना? नहीं बाबा, अगर देखा होता तो हंगामा नहीं हो जाता? करेक्ट। तो मैं लक्ष्मी को छुपा लेता हूँ, तो इंडिपेंडेंस डे की तरह उसके चौथे की तैयारी कर, चौथे की तैयारी कर, और चौथे की तैयारी कर। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं, जिंदा आदमी का चौथा? ओहो धीरे बोलो, उसका चौथा नहीं करोगे तो तुम्हारा पंजा छक्का सत्ता वो भी ईंट का सारे कार्ड एक साथ खुल जाएंगे, और तुम जिंदगी का जुआ
हार जाओगे लकी, हार जाओगे। नहीं पापा, ये एक जुआ तो जीतना है, आप बताओ क्या करना है। तो जो मैं कहता हूँ वो करो डार्लिंग। ये बताओ लक्ष्मी अभी कहाँ है? नीचे कमरे पे सो रही है। हाय हाय हाय, सो रही है किसके साथ? बाबा जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर है मेरी मदर, तू है मेरी मदर। कौन है तुम? ये है बाबा इच्छा पूर्ति सेक्सी दास। हाँ पर यहाँ क्या कर रहे हैं? वशीकरण, तोड़ पूजा। वशीकरण? कैसा वशीकरण? भूतों ने तुम्हें अपने वश में करके ममता कुलकर्णी बनाकर एकदम दूर 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 कहीं दूर भेज दिया था। नहीं नहीं, भूतों ने नहीं, वो तो मैं इनसे नाराज होकर अपनी मासी के घर चली गई थी। नादान बाल का, भूतों ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी इसलिए तुम मौसी के पास चली गई। अरे बुद्धि तो मेरी भ्रष्ट हो गई थी, पता नहीं मैं क्यों इनको छोड़कर गई। कितने परेशान हुए होंगे बेचारे। बहुत परेशान, ना रोटी खाते थे ना अल्कोहल पीते थे, बस खराब हो। मैं बहुत परेशान था, मेरी तो जान ही निकल गई थी लक्ष्मी। फिर बस एक ही रास्ता दिखाई दिया, बाबा जी के चरणों में गिर गया और मैंने कहा बाबा जी मेरी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, सब कुछ ले लो, बस मेरी लक्ष्मी लौटा दो, मेरी लक्ष्मी लौटा दो। बाबा बोलो हाँ। हाँ। झूठ, तुमने ऐसा नहीं कहा होगा। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही बोला था। हाँ। फिर बाबा जी ने उसका उपाय दिया, उन्होंने कहा कि वशीकरण जाप की महापूजा कराओ बच्चा, पर देखो देखो बाबा जी का कमाल, देखो पूजा होने से पहले तुम वापस आ गए, पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चुप बे जॉनी लिवार, महापूजा नहीं कराएगा तो इस बार ये नहीं तू कहीं दूर बॉलीवुड की सड़कों पर गिटार बजाएगा। टन 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 टन। नहीं नहीं नहीं, बाबा जी प्लीज आप ऐसा ना कीजिए, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इन्हें कुछ ना कीजिए। पक्का? पक्का। पक्का ना? पक्का। तो ठीक है, माँ पूजा होने तक तुम गायब हो जाओ, ऐसा पता भी ना चले किसी को कि तुम यहाँ आई थी। हाँ हाँ ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, बस इनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे कहीं भी छुपने को कहेंगे मैं छुपूंगी, आप प्लीज मुझे छुपा लीजिए। छुपा लूं? छुपा लीजिए। छुपा बाबा जी, छुपा लीजिए। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव। जी बाबा। इस फाइल को डिलीट करने की तैयारी करो। जी बाबा। अभी हमारे कब्जे में है और तुम मीना कुमारी मुंह ढक लो ताकि लोग पहचानने ना पाए। दरवाजा खोलो जल्दी। जी बाबा जी। सब ठीक है ना? ठीक, कोई नहीं है। दरवाजा बंद कर लो बेटा। संभल कर बाबा जी। मुन्नी बदनाम हुई बाबा जी तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई बाबा जी तेरे लिए, मुन्नी। लेकिन बाबा जा कर रहे हैं। और देख क्या रही है, मुंह ढको। मुन्नी बदनाम हुई बाबा जी तेरे लिए, मुन्नी बदनाम। जी बाबा। जाग देखो कहीं चाय वाला तो नहीं है नुक्कड़ पे। बाबा चाय पीनी है क्या? चाय नहीं पीनी, जाग देखो। जी बाबा। जी बाबा। आओ मुंह ढक लो। मैं क्या कह रहा था? क्या लेकिन बाबा जा कर रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। ओहो मुंह ढको। इस मौसम में बारिश, देखो तुम्हारे सपोर्ट में भगवान भी बारिश कर रहा है। हे भगवान। ओए तेरे घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं है? छत से शुशु कर रहा है, भाग यहाँ से, जा छत पे बैठ के शुशु करते, यही सिखाए तुझे? कहाँ है तेरी मम्मी? घर में पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कैसे कैसे लोग? तुम तो मुंह ढको। ये लक्कीपुर है या फकीरपुर है? बच्चे शुशु कर रहे हैं ऊपर से जा रहा, वो देखो आ गई। माफ करना बाबा, बच्चा है। माफ क्या करना, खपल है यहाँ घूम रहा है और आपका बच्चा ऊपर से शुशु कर रहा है। घर में टॉयलेट वॉयलेट है कि नहीं? पानी वानी आता है कि नहीं? पानी आता है कि नहीं? तुम चलो यहाँ। पापा कहाँ है? ऊपर ऊपर। लो पापा भी ऊपर गए, मजाक बना रखा है यहाँ पे। ओ तेरी लक्ष्मी चाची, लक्ष्मी चाची। ओहो तू पोस्टर जरूर बन जाएगा। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव। जी बाबा। वाओ क्या वाओ, वापस चलो। चलिए चलिए चलिए। अरे पापा वापस आ गए? आए नहीं, कम वक्त आना पड़ा। दरवाजा बंद कर। पापा क्यों, क्या हुआ?
कुछ भूत प्रेम चोपड़ा की तरह इस पिक्चर में आए, बच्चों को किस किया और उनके थ्रू तेरे बीवी पे सूसू किया, सेम सेम। हाँ बाबा नहीं, अब सूसू तो इनके ऊपर किया था, मुझ पर तो सिर्फ पानी गिरा है। चुप बदतमीज स्वीटहार्ट, अरे इसके पाप को मैंने अपने ऊपर लिया, इसके चक्कर में आधा किलो सूसू पिया। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मैं भूत और प्रेत का जो ये मैच है, बांग्लादेश की तरह मैं भारत को हराऊंगा और तेरे पति को वर्ल्ड कप में कांस मेडल दिलाऊंगा। हाँ बाबा, मगर इसे छिपाएंगे कहाँ? एक जगह है ना बाबा। अरे पागल, तेरा घर भूतों से बचाने के लिए यही वो जगह है जहाँ मैं इसे छुपाऊंगा भूतनी के। जी बाबा। हाँ बाबा, इसको अंदर ले जाओ और साबुन के बट्टी की तरह कहीं छुपा दो ताकि ये मेल्ट हो जाए। जी बाबा। बाबा जी एक बिनती है। क्या, कपड़े उतार दूं? नहीं नहीं, मुझे कहीं ऐसी जगह छुपाइए जहाँ से मैं सारी पूजा देख सकूं। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव। जी बाबा। इसको ऐसी जगह छुपाओ, ऐसी जगह छुपाओ जहाँ से ये पूजा तो देख ले लेकिन पूजा मरते दम तक इसको न देख पाए, प्लीज। जी बाबा। हाय कम्मो, कितने सोनी लग रही है आज, तो लकी ने देखे मरी जाना है, बाय गॉड। कोई बात नहीं, आज जहाँ मैं बैठी हूँ तू बैठी होगी, सन्नी पाजी के लिए। पुसी कहाँ है? तैयार हो रहा है अंदर। ओ मर जाने, तैयार नहीं हुआ अभी तक, चौथे दिन ही जाना तू। आती हूँ ना, सारे के सारे मेरी ब्यूटी से जलते हैं। पता नहीं मर जाना है कि मर जानी, तैयार तो ऐसे हो रहा है जैसे चौथे के बाद रोका तेरा नहीं इसका होने वाला है। हाय, किसी की नजर ना लगे। हाय मेरा बच्चा, तैयार हो गया? जी। यू लुकिंग सो नाइस। थैंक्स। नी कुड़ियो, तुसी इन्ना सर तज के ब्याह ते जाना है कि चौथे ते जाना है? बीजी आपको नहीं पता चलता है, रहने दो आप। चुप करनी। अरे भाई जल्दी करो, चलना नहीं है क्या है? चलो छेते करो कुड़ियो, चलो सनी नीचे वेट कर रहा है। चलो। देखो हा? यहाँ तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। हाँ। और तुम महापूजा भी अच्छे से देख पाओगी। मेरी तस्वीर पे चंदन का हार? ये चंदन का हार तो मरे हुए लोगों पर डालते हैं ना? नहीं नहीं, ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की तस्वीर है और आत्मा की तस्वीर पे ही चंदन का हार चढ़ाया जाता है। आई 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 बाबा जी। हाँ। पंडित जी। बाबा की जय हो। जय हो। लकी सेठ नमस्ते जी। जो भाभी को पसंद थी वही साड़ियाँ पेटीकोट और ब्लाउज के साथ दान के लिए लाया हूँ। ठीक है जी। आओ आओ ले आओ। इतनी साड़ियाँ दान के लिए? हाँ दान के लिए। यहाँ पर रख दो। मुझे तो एक दिलाने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, इनका तो हमेशा हाथ तंग ही रहता था। ओ लकी, हाँ? ये देख जैसा तूने कहा था ना, सारे जेवर बनवा दिए हैं। ये देख यहाँ धासु मंगलसूत्र है। इतने सारे गले के जेवर, ये भी दान के लिए क्या? हाँ ये भी दान के लिए है। देखा कितना प्यार करता है। नमस्कार जी। अरे नमस्ते। ये देखो हाँ? पूरी मिठाई तैयार है, लड्डू बन रहे हैं। हाँ? इतनी सारी मिठाइयाँ, इतनी तो मेरी शादी में भी नहीं आई थी। लक्ष्मी तुम्हारी शादी पे तुम्हारे पिताजी ने खर्च किया था। हाँ। और अब महापूजा पर तुम्हारा पति कर रहा है, देखा तुम्हारा पति तुम्हें कितना प्यार करता है। लक्ष्मी चाची, लक्ष्मी चाची। प्यारी पहना जी। जिंदा रहा। प्यारी पहना। जिंदा रहा। प्यारी पहना जी। ओए लकी। सस्रीकाल जी। कोई गल नहीं यार। कम्मो? होता है होता है, बड़े बड़े पिंडों में लोग मरते हैं। धर्म के काम पे ऐसे बंठन के आई है जैसे अपनी शादी पे आई हो। ये चौथा हो रहा है कि ब्याह हो रहा है? बीजी आजकल ऐसा ही होता है, आपको नहीं पता है। चुप कर। हुँ?
नमस्ते, नमस्ते जी। मेरे पति को तो ऐसे देख रही है जैसे मेरा नहीं इसका हो। कितनी प्यारी जोड़ी है, भगवान नजर ना लगे। देख कम्मो, मैं दान के लिए ये जेवर बनवा के लाया हूँ। देख 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 देख, अच्छे है ना? ये तो दान के लिए है, लेकिन अपनी शादी के लिए भी मुझसे ही जेवर बनवाना। हा? जरूर। ये सब इसे क्यों दिखा रहे हैं? कम्मो जी, ये देखो जी, आपके लिए स्पेशल लड्डू। खाइए ना, बड़े वाला। हाँ, पहले चखिए, देखिए। ये तो ऐसे खा रही है जैसे इस घर की मालकिन हो। खाओ ना। इसकी ये मजाल, मेरे पति को अपना जूठा खिलाए। पीछे हटो, जा रही हूँ। अरे सुनो, सही सही तो मैं बताती हूँ। भूतनी की तो आ गई। साइलेंस, साइलेंस, चुप। भूत की माखी, जहाँ लड़की देखी वहीं लाइन लगा ला चालू। ये भूत नहीं है, भूतनी के। ये लक्ष्मी की छोटी बहन धन लक्ष्मी है। अपनी बहन की पूजा देखने आई है, समझ रहे हो तुम लोग? धन लक्ष्मी बोलो हाँ। बहन है, बहन है, बैठा सब। तुम्हारा तो आज भारत बनता, तुम खुले में कैसे आ गई? सुनो, वो शत्रु जी जैसा आदमी जो दिख रहा है, तुम उसके बाजू में जाके छुप जाओ। अब जाओ। वो कम्मो को कहिए कि मेरे पति से दूर रहे। हैं? उन्हें कहिए कम्मो से दूर रहे। ओहो, मैं तुम्हें जो मैं बंगलो दे रहा हूँ शत्रु जी के साथ, तुम विरार में जॉनी जी के वन रूम में अटकी हुई हो। जाओ ना बच्चा, जाओ, प्लीज गो। बाबा जी, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाबा गुल्लो। सुनो जी, टाइम क्या हुआ है? बहुत अच्छा टाइम हो गया है। ओ दूर। आज गुरुजी ने की तमन्ना है। क्या बात है सनी पुत्र, आज बड़ा खुश है, है? मैं बहुत खुश हूँ। आशीर्वाद दे माँ, आशीर्वाद दो बाबूजी। क्या बात। अब इस घर से ऐलान करते हैं कि एक शादी नहीं होगी, अब इस घर में दो शादी होंगी। दो? दो किसकी बताइए ना? एक कमो की लकी से और दूसरी मेरी। दूसरी किससे? छेती बोल, छेती बोल, जल्दी बताओ किससे। अरे बोल छेती। अरे बोल जल्दी से, बोल सनी। धनलक्ष्मी से माँ। धनलक्ष्मी? धनलक्ष्मी, हाँ माँ, हाँ बाबूजी। बाबूजी, इस घर से अब सगाई का एक शगुन नहीं बल्कि दो दो शगुन जाएंगे। कमो का लक्की के लिए और मेरा धनलक्ष्मी के लिए। ओ पुत्र, ओ पहले धन लक्ष्मी से तो पूछ ले। बाबूजी, बड़ी पुरानी कहावत है, लड़की हंसी तो समझो फंसी। और बाबूजी उसके हंसी में ही हाथ था, और ऐसे हंसी बाबूजी की जितने भी मेरे शरीर में जंग लगे तार थे वो छनछना उठे। और उसने ना कर दिया तो? सीधी बात, अगर सनी का धन लक्ष्मी से रिश्ता नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली कम्मो का लकी से नहीं होगा। वीर जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मुबारका सनी पाजी, मुबारका। ओ जी, इसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई कम्मो के शगुन के साथ साथ मैं अपना शगुन भी धनलक्ष्मी को भेज देता हूँ, तो मुझे आज कोई बढ़िया से जेवर दिखाइए जो कि मेरी धनलक्ष्मी पागल हो जाए। ओ जी, तुसी हुकुम करो, क्या भेजना जी शगुन में? रुको जी, मैं दिखाता हूँ। ये देखो जी,
नेकलेस। पाजी मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे तो तीनों पसंद है, अब पता नहीं उसे क्या पसंद है। ऐसा करिए तीनों हीरे की अंगूठी नेकलेस कंगन सब पैक कर दीजिए। कोई सहारा डरा, अरे बिल्लो, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदर्द बिल्लो न रहा, बिल्लो कोई सहारा। ओए ओ क्या हो गया तेनू, तू दिन दाड़े पिंड विच शराब पिए घूम रही है, क्या क्या हो गया? अरे खुशी में दारू पिंदे, कदू तो पिंदे है नहीं। अच्छा खुशी, वाह वाह वाह, तेनू की खुशी मिल गई। और समा समा समा, वैसे बिल्लो आज सनी पाजी भी बड़ा खुश है। अरे तेरी खुशी में मेरी खुशी है रांझे। बस एक बात बता, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तूने एक नजर में उसमें बड़ा वड्डा ऐसा क्या देख लिया जो मैं परसों खुद को दूध से गिल्ला करती रही और तूने नहीं देखा? तो दूध में अपने आप को मेरे लिए भिगोती रही और मुझे ऐसा लगता रहा कि तुझे दूध निकालना आता ही नहीं। खैर कोई नहीं, तूने ना देखा ना सही, तू खुश रहे, तुझे तेरी हीर मिल गई ना, तूने अपनी लंगोट खोल दी, मुझे मेरा रांझा नहीं मिला। अब बिल्लो ये लंगोट जिंदगी भर पहनेगी, जिंदगी भर कवारी रहेगी। फिर सुन, तू अपनी शादी में बुलाना मत भूलना, तेरी शादी में बिल्लो इतना नाचेगी कि पूरा लक्कीपुर देखेगा, बुलाना मत भूलना। ठीक हूँ मैं, बुलाना। बिल्लो बिल्लो, आज वो आज मुझे एक पल के लिए तो लगा कि जैसे मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन मैं खुश हूं कि आपने ये सब मेरे लिए किया। चूड़ियां दिला दे।
लगता बूटा, तू मुझको सच्चा लगता, सारा जग लगता झूठा। जब जब देखूं तुझको सोचूं, तू कितनी दीवानी है, हद से ज्यादा प्यार जताना पागलपन की निशानी है। राज कभी ये नहीं खोलना, सारे रिश्ते नाते मैं राजन की होई, नाम धरो मोर सही हो राजा हीर ना खो कोई, अखियों से मैंने नींद गवाली, इश्क जगाऊंगी होई होई होई, वे होई तेरी राजना वे होई होई, वे होई तेरी राजना वे होई होई, वे होई तेरी राजना। जी करता मैं तुझ में खो जाऊं, सौ जन्मों के लिए राजना मैं तेरी हो जाऊं। मुझको तो लगता है तुझ पे अब ना तेरा काबू है, सबके दिल पे छा जाता है इश्क तो ऐसा जादू है, इसको रगों में नहीं घोलना। आया, अभी आया। कल को दुनिया को जब पता चलेगा कि लक्ष्मी जिंदा है, उसके फिल्म का पोस्टर अभी तक दुनिया के सामने से उतरा नहीं है, तो तेरे सपनों के पोस्टर की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी लकी। देख बेटा, उसके जिंदा होने का मतलब है कि तेरे सारे सपने तेरी आंखों के सामने चकनाचूर हो जाएंगे। हाथ दे, बोल, जो मैं कहूंगा वो करेगा। हाँ बाबा जी। तो जो भगवान न कर सका वो अब तू कर। क्या बाबा जी? ये जो हार्ड ड्राइव के हाथों में दूध का ग्लास है, ये पॉइजन फ्लेवर है, ये उसको पिला दे, वो डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंचेगी। स्वर्ग बाबा जी? बिल्कुल, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसके पापा को मैंने स्वर्ग में एसी में जगह दिलवाई थी। बोलो हाँ। अरे ना बाबा जी, वो मेरी पत्नी है, उसे मैं जहर दे दूं। चुप बैठ। पत्नी पत्नी पत्नी, इडियट की तरह पत्नी के सामने दुम हिलाता रह जाएगा तो दुनिया में दुम हिलाता हुआ आया था, दुम हिलाते हुए चला जाएगा। कम्मो के बारे में सोच, कैसे वो तुझसे दूर जाएगी जैसे हिंदुस्तान से सुख शांति। प्लीज, जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लग के इधर देख। कल को जब वो MP आएगा 1 करोड़ लेकर के, तो तुझे क्या देगा? घंटा बाबा जी का। इसलिए बेटा, ये दूध पकड़ चुपचाप लक्ष्मी के होठों से लगा और उसकी आत्मा को शांति दे। वैसे भी उसका चौथा हो चुका है, मरे को मारने में कोई पाप नहीं है बेटा। जा बेटा, और तू आ बेटा। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਕੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਪਿਲਾ ਦੇ ਲੱਕੀ।
नहीं तो तेरे सारे सपने टूट जाएंगे। जी अजी सुनिए। नहीं 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 अजी सुनिए। अरे हाँ अच्छी लग रही है। क्या कह रहे हैं आप? चुप करो। हाँ नहीं नहीं आपको नहीं जी, आप कहिए ना। हाँ 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 जी जी कर दूंगा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अरे अरे क्या कर दिया पागल हो? तुम्हें अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल पागल हो तुम। हाँ तुम्हारे प्यार में। चलो चलो। नहीं लकी, लक्ष्मी तुझसे बहुत प्यार करती है। अरे लकी लक्ष्मी की छोड़ कम्मो की सोच। अरे पागल 1 करोड़ की सोच। क्या सोच रही हो? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते। तुम्हें पता है मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मर भी सकती हूँ। अरे लक्की लक्ष्मी की छोड़ कम्मो की सोच। लक्ष्मी तेरी बीवी है। अरे पागल 1 करोड़ की सोच। अरे पिला दे लक्की कम्मो की सोच, नहीं तो तेरे सारे सपने टूट जाएंगे। 1 करोड़ की सोच। नहीं लक्ष्मी, मुझे मालूम हो गया था कि ये महापूजा पूजा नहीं, मेरा चौथा था। आज तक किसी ने अपने आंखों से अपना चौथा नहीं देखा होगा, पर मैंने देखा। क्यों? क्योंकि तुम खुश थे। अब अगर मेरे मरने से तुम्हें जिंदगी भर की खुशियां मिल रही हैं, तो मुझे मरने का कोई गम नहीं। इसके लिए तुम्हें कोई पाप नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद ही ये दुनिया छोड़कर जा रही हूं। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मर भी सकती हूँ। अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी सुनो तो सही, क्या हुआ? दूध पिलाया था उसको, क्या हुआ? मरी कि नहीं मरी? मर गई ना? नहीं। बोलो ना, मरी कि नहीं मरी? अब ये देखिए क्या है। मुझे मालूम हो गया था ये पूजा महापूजा। आहा, आज तक इसे कहते हैं पत्नी। पति का हाथ खून से नंगे, इसलिए वो खुद मरने चलेगी। क्या भगवान है, ऐसी पत्नी सबको दे लकी। गुड ग्रेट। मगर मेरे जैसा पति किसी को ना दे पापा। कैसे बात कर रहा पागल बच्चे, इतना उदास क्यों है? कहाँ जा रहा है? यहाँ बैठना। नहीं पापा, मैं अपनी गलती सुधारने जा रहा हूँ। लकी सुनो तो सही, पागल मत बनो। जो लक्ष्मी चली गई जाने दो, बुलशिट। जो आ रही है उसको प्यार करो। वो मर चुकी है पुत्र, मर चुकी है डार्लिंग। अरे नहीं बाबा, क्या कह रहे हैं आप? वो मरी नहीं है, हम सब ने उसे मारा है। हाँ दिमाग पर इसके किसी ने कुछ कर दिया है, इसको ठंडा पानी पिला। लगे तुम्हारे पागलपन की वजह से मैं अपने लाखों रुपए नहीं छोड़ूंगा। ये चिट्ठी मुझे दो और तुम कहीं नहीं जाओगे। आओ यहाँ, छोड़ दीजिए बाबा। पागल मत बनो, छोड़ दो बाबा। पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लक्ष्मी
मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, माफ कर दो लक्ष्मी। करने जा रहा था, मुझे पता था तुम जरूर आओगे लकी। मेरे हाल दा मर हम तू साया वे मेरे हाल दा मर हम तू। माफ कर दीजिए जी, माफ कर दीजिए। आपका जो भी पैसा बनता है मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा घर ले लीजिए, मेरे सारे गहने ले लीजिए जी, हमारे पास जो भी है सब ले लीजिए जी। हम आपका कर्जा किसी भी तरह उतार देंगे, सारा का सारा कर्जा उतार देंगे। और फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो मैं रात दिन मेहनत करके सब चुका दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ जी, प्लीज। इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। Ha 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 ha
कि तेरी लक्ष्मी सचमुच देवी है। अरे सुन यार, पति के मौत के बाद जान देते हुए बहुत सारी औरतों के बारे में सनी पाजी ने सुना था। पति की खुशी के लिए जान देने वाली लक्ष्मी जैसी कोई देवी हो सकती यार। और मोहब्बत और इश्क के बारे में पूरे गांव में सनी पाजी से बेहतर कौन जान सकता यार, है ना बिल्लो? जा तेनु माफ किया, जा। माफ कर दिया? हाँ जी। कम्मो जी, हो सके तो आप भी माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, वैसे भी तो मेरे लायक नहीं था, भगवान ने तो मेरे लिए कोई और ही चुन के रखा है। खुश रहे जी। डोंट वरी पुत्र, वी ऑल आर विद यू। थैंक यू जी। दीजी तुसी ते अंग्रेजी चुप करनी पहन दी। आई एम एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर। ओए लक्की, जा, तेरी देवी जैसी पत्नी के लिए हमने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। अरे छिछोरे गांव वालों, ऐसे धूप में खड़ोगे दिमाग लगाओगे तो दिमाग की दही हो जाएगी। मैं तुम्हारे गांव में वापस से पैसे की बाढ़ ला सकता हूँ, दौलत का दरिया बहा सकता हूँ, अगर तुम लोग लत्तम जुत्तम ना करो तो। एक आइडिया दूं? देना। बीजी। वेरी गुड। लक्ष्मी के बारे में लक्ष्मी के पति को मालूम है कि वो जिंदा है, लक्ष्मी के लवर को मालूम है वो जिंदा है, उसकी सौतन को मालूम है वो जिंदा है, मुझे मालूम है वो जिंदा है, लेकिन सरकार को? मेरी प्यारी बहनों और उनके भाइयों, वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। क्यों आई बे? वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ, मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम, हरियाणा वालों को तो मजा आ जाता होगा। ओए बाबे, कुछ समझ नहीं आया। माँ एक दिन समझा दूंगा, ध्यान दे उधर। बहुत बुरा हुआ हमारे लकी सिंह के साथ, बेचारा भरी जवानी में ही रंडवा हो गया। अब हम क्या कहें लक्ष्मी जी के बारे में? ये तो पगले है। लक्ष्मी जी एक अच्छा सेक्स थी। मैडम मैडम, सेक्स नहीं, शख्स। पता है पता है। लक्ष्मी जी सच में एक अच्छा सेक्स थी जिसका कोई जवाब नहीं था। इस पिंड में जिस जिसने भी उनके साथ संबंध रखे उन सबका यही कहना है कि लक्ष्मी जैसा सेक्स और कोई नहीं। अब हम क्या कहें उनके बारे में? सच में लक्ष्मी जैसा सेक्स ना देखा है और ना ही देखेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा सेक्स बनने की, ताकि आप लोग हमें आजमा सके और कह सके कि मेरे जैसा सेक्स और कोई नहीं। सरकार में भी बहुत अच्छे अच्छे सेक्स हैं, जिनके कारनामों से हमारे सरकार की सेक्सियत बढ़ी है। बढ़िया है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी एक अच्छा सेक्स बने, ताकि आपके आसपास वाले भी अच्छे सेक्स बन सके। कहाँ से ले आए हो इसको? लगता है इसकी उर्दू कमजोर। क्या हुआ लकी, रंडवा हुआ तो वो भी एक अच्छा सेक्स है। इसीलिए हमारी सरकार की तरफ से और अपोजिशन पार्टी की तरफ से मैं इस अच्छे सेक्स को 1 करोड़ का चेक अर्पित करना चाहती हूँ। मुबारका मुबारका मुबारका। खड़े मत लगियो, माँ समझ के पैर छू। जीते रहो। तुम एक अच्छा सेक्स हो और उम्मीद करती हूँ कि तुम एक अच्छा सेक्स बने रहोगे। लो जी, आखिर लक्की 1 करोड़ पाकर वाकई लक्की हो गया और लक्ष्मी अपना पति पाकर लक्की हो गई।
आए हाय मेरे लकी कबूतर करोड़पति। हाँ मेरी कबूतरी। बिल्लो सनी पाजी को पाकर हमेशा के लिए लकी हो गई। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ था। मेरे बगल में मेरी हीर गीली होकर बैठी रही और मैं सूखा का सूखा रह गया और खुशी नहीं दे पाया। अजय अगर तुसे भी मेरे साथ गीले हो जाते तो आज हमारे छोटे छोटे सन्नी और बिल्लो होंगे। लक्कीपुर वाले और इच्छा पूर्ति बाबा सेक्सी दास अपना अपना पैसा पाकर लक्की हो गए। उत्तरी ये क्या, फुद्दू ने लाइन चेंज कर दी। फुस्सी को पाकर वो भी लक्की हो गया। चलो अच्छा हुआ लक्कीपुर का हर एक आदमी फाइनली लक्की हो गया। अरे अरे एक मिनट, बेचारी कम्मो का क्या हुआ? कम्मो इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ भागकर हमेशा के लिए लक्की हो गई। आज हो गई रातो रात कृपा बाबे दी, आज बन गई यारां दी गल बात कृपा बाबे दी, ओ कृपा बाबे दी ओ कृपा दाते दी। आज लगिया यारां दा जैकपॉट कृपा बाबे दी ओ कृपा बाबे दी, आज बन गई यारां दी गल बात कृपा बाबे दी ओ कृपा बाबे दी। ओ बंगला लवांगे गाड़ी लवांगे जोरू के लिए साड़ी लवांगे, बैसाखी में कटेंगी फसलें खेत लवांगे बाड़ी लवांगे। बन गई हुण बन गई हां बन गई यारां दी गल बात कृपा बाबे दी।